या पक्की कहे बैठ जाओ बैठ या पक्की कहे तहसील उस दिन खुलेगी भाई जिस दिन हाथ में किमें होगा। जैसा कि आपको पता था प्रशासन ने मीटिंग के लिए बुलाया था, हमारी तीन मांगे थी, तीनों मांगे को मांगों के ऊपर पूरी चर्चा हुई। जो चर्चा में लबो लबाब निकल के आया, मैं तीनों मांगों के ऊपर विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले मांग थी हमारी कि किसानों को मुआवजा चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को भेजा था कि खेड़ी तहसील के अंदर नुकसान शून्य पाया गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, यह लिखा था इन्होंने पहले। अब जब आप लोगों ने यह पंचायत करी, आपकी ताकत देख करके छह अफसरों की कमेटी बनाई गई जिसमें दो एसडीएम थे, तीन तहसीलदार थे, एक डीडीए था। छह अफसरों की कमेटी ने आपके साथ मीटिंग करी, हमने उनको वीडियो दी, हमने उनको अखबारों की कटिंग दी और भी बहुत से प्रूफ दिए। उन सभी बातों को दर्ज करके सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। उन अफसरों ने यह माना कि खेड़ी तहसील के किसानों को नुकसान हुआ है, उन्होंने सरकार को एफसीआर को रिपोर्ट भेज दी। दूसरी बात आई थी कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो डीसी मैडम का कहना था कि हमने पटवारी बदल दिए और एक हफ्ते के अंदर जो कानून को कि आपको शिकायत है वो भी बदल दिया जाएगा, और जो एग्रीकल्चर का पीईओ है उसके खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी करवा दी जाएगी, आप अपनी बात रख देना। तीसरी हमारी बात थी कि किसानों के ऊपर जो केस है मुकदमा है उसकी बताओ। पहले तो डीसी मैडम ने इनकार कर दिया साहब, मैं मुकदमा तो तार पर रहेगा। अब बोले कोई बात नहीं, ना चिंता ना करा तो बड़ी सी सरकार के सत्र की बात है। लेकिन उसके बाद एसपी मैडम ने फिर कह दिया जी मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करांगे, मैं कोई बात नहीं आप मुआवजे की बताओ। तो वो कहने लगी कि हमने तो रिपोर्ट दे दी, अब आप तहसील खोल दो। मां अगर सरकार ने रिपोर्ट कैंसिल कर दी तो वो कहने लगी जी मैं उसका तो हमने नहीं बेरा। मखा जिस मौका पर रिपोर्ट मंजूर हो जे नहीं सरकार या बात मान ले अधिकारियों ने तो मान ली, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट एक बड़ी चीज होती है। वैसे आपकी ताकत ने अफसरा का दिमाग ठिकाना ला दिया, अफसर तो सीधे कर दिए, प्रशासन तो मानना शुरू कर दिया कि हाँ आपका नुकसान हुआ है, मगर हमें तो उस दिन बात करांगे जिस दिन सरकार मान लेगी। भाइयों उनने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी, कुल मिला के बात इस बात पर आएगी। हमने कह दिया लिख के दे दे मुआवजा मिल जाएगा। वो कहने लगी ना जी लिख के तो कोई नहीं दे सकते, आप लिख के दे दो तहसील खोल जाएंगे, हम रिपोर्ट दिखा जाएंगे। मामा न्यू न्यू आकर यानी टुपके टुपके तारा है, हमें न्यू कहा दैड़ दैड़ भरते बल्टी। अब भाइयों सरकार ने उल्टी जो आदेश दे रखा था, भाई इतनी बात कहनी थी उन्होंने कह दी, हमें अपनी बात कहे। एक भाइया का हाथ जोड़ के प्रार्थना है न्यू की न्यू संख्या बढ़ाए रखो, बढ़ते रहो, 100% मुआवजा मिलेगा भाई, क्योंकि कमेटी सरकार की थी, अफसर सरकार के हैं,
लाग जाएगा वह जब जितना दिन और लाना चाहते होंगे। केवरा उनके के मन में है जब उनके दो एसडीएम तीन तहसीलदार एक डीडीए उनने रिपोर्ट लिख के दे दी पूरे हिसार जिले की। हाँ खेड़ी तहसील के किसानों को नुकसान हुआ है। दो दिन आगे पाछो खटर मान जाएगा भाई। इसलिए मेरी प्रार्थना है भाई अपनी संख्या बनाए रखो, आपको जीत की खुशी बहुत जल्दी मिलने वाली। धन्यवाद साहब।